हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे दानी चिकन का सालन। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम लेंगे क्रैनबेरी बीन्स, इसको राजमा बीन्स के दाने या बेंगलुरु में दाने करके बोला जाता है। करीब आधा किलो मैंने लिया है और साथ में लेंगे 3 बड़े साइज़ के आलू। मसाला पेस्ट बनाने के लिए धनिया पत्ती, अदरक लहसुन, 3 लौंग, आधा इंच दालचीनी और एक बड़ी साइज़ की प्याज लेंगे। 6 टमाटर और नारियल भी लेंगे और आधा किलो लेंगे चिकन। आप इसके साथ मटन के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले मसाला को पीस लेंगे, नारियल और टमाटर डाल के अच्छे से सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हरा मसाले का पेस्ट बना लेंगे। अब एक कुकर लेंगे, इसमें करीब 1.5 चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। जैसे तेल हीट हो जाएगा हम इसमें मटन या चिकन को ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। चिकन को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें कंप्लीट कलर चेंज हो, यानी वाइट कलर हो जाए। इस स्टेज में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। सबको अच्छे से भून लीजिएगा। 1.5 चम्मच चिली पाउडर ऐड करेंगे। इस जैसे चिकन अच्छे से भून जाए उस टाइम में हम ऐड करेंगे हरा मसाले का पेस्ट। सबको अच्छे से मिला के पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाएंगे जब सरफेस पे तेल आ जाए। नमक ऐड कर दीजिए। जैसे चिकन के सरफेस के ऊपर तेल आ जाए तो हम नारियल और टमाटर का पेस्ट ऐड करके अच्छे से पका लेंगे। कवर करके पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन चला जाए और तेल सरफेस पे आ जाए। अब देख सकते हैं तेल सरफेस पे आ चुका है, तो इसका मतलब मसाला अच्छे से पक चुका है। तो इस स्टेज में हम दाने को ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे। नेक्स्ट हम पानी ऐड करेंगे। सालन का कंसिस्टेंसी आपके डिज़ायर, जितना आप चाहते हैं उतना ऐड बना लीजिएगा। ज़्यादा थिक चाहिए तो थोड़ा कम पानी ऐड कर दीजिए। अगर पतला सालन आपको चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिए। लास्ट में आलू ऐड करके 3 विजल आने तक हम पका लेंगे। नमक एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि नमक कम है। कुकर का लिड बंद करके 3 विजल आने तक इसको पका लेंगे। 3 विजल के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है और दाने चिकन का सालन रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। मेरे तरीके से ये सालन बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और अपने घर और फैमिली में सबको पसंद ज़रूर आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।